दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बूपाई हेल्थ इंश्योरेंस डिजिटल कार्ड को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं और बूपाई एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं और बूपाई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का वैलिडिटी कितना बचा हुआ है, कब एक्सपायरी है, ये चेक करने को बताएंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है और यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा बूपा का। तो चलिए प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है बूपा, BUPA, बूपा अरेबिया। आप बूपा लिखेगा ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये देखिए बूपा लिखा, ये देखिए, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद बैक आ जाते हैं मैं और बैक आकर ओपन करते हैं। तो ये देखिए बूपा एप्लीकेशन यहाँ शो करने लगा, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़े तो इंग्लिश पर क्लिक कर देना है और इसको दो बार स्लाइड नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपको नेशनल आईडी नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ईयर सिर्फ डालना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। देखिए मैं डाल चुका हूँ, सिर्फ बर्थ ईयर डालना है जो आप कौन से साल में जन्म हुआ है। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके साइनअप पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक मेंबरशिप आईडी नंबर आ जाएगा और आपका इकामा नंबर जो है वो शो करने लगेगा, आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका ईमेल आईडी डालना है, आपको जो भी ईमेल आईडी है कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। इधर देखिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऐसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, 6 डिजिट का वेरीफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो यहाँ डाल देना है। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, इस पर डायरेक्ट टच करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें कि बड़ा लेटर और छोटा लेटर भी होना चाहिए, कम से कम एक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये देखिए पासवर्ड डाल दिया, ये सारा ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना, तो यानी कि मेरा ये पासवर्ड बन चुका। उसके बाद यहाँ देखिए माई वर्चुअल कार्ड पर क्लिक करना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जो आपका इकामा नंबर होगा और जो पासवर्ड अभी बनाए हैं वो डालकर लॉगिन कर देना। तो चलिए मैं अपना इकामा नंबर और जो अभी पासवर्ड बनाया था वो डालकर लॉगिन कर देते हैं। तो ये देखिए मैं अपना इकामा नंबर और पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आ गया हमारे मोबाइल पर। तो यहाँ डाल देते 6372222, तो ये नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड हो गया। उसके बाद फिर से माई वर्चुअल कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड यहाँ देखिए शो करने लगेगा। आप इस हेल्थ कार्ड को आप किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं, आपको फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए आपका मेंबर नेम शो करने लगेगा, स्कीम कौन से कैटेगरी का है, मेंबरशिप नंबर, कंट्रीब्यूशन, इसमें 100 रुपये से ऊपर करने पर हॉस्पिटल में बिल आने पर आपको 20% देना ही पड़ेगा बस। पॉलिसी होल्डर जो कंपनी का नाम आ जाएगा, अप्रूवल लिमिट यानी कि 1000 तक लिमिट है इसका। उसके बाद आपका इकामा नंबर है वो शो करने लगेगा, नेटवर्क में कंपनी के नाम, और उसके बाद देखिए एक्सपायरेशन डेट यानी कि इसका डिजिटल कार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का एक्सपायरी कब है, देखिए 31/12/2021 एक्सपायरी डेट। उसके बाद बैक आ जाते हैं और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना, अदर सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद हेल्थ प्रोफाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे नीचे में आएंगे तो देखिए लेटेस्ट हॉस्पिटल विजिट, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो हाल फिलहाल में आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप विजिट किए होंगे तो यहाँ पूरा आपको रिकॉर्ड शो करेगा कि आप किस हॉस्पिटल में गए थे, क्या ट्रीटमेंट करवाया था। तो पहले बैक आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।